धमकी भरे मैसेजेस आए हैं 17 अक्टूबर के अराउंड, जिसमें इनसे लगभग 40 लाख पहले और फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। उस संबंध नमस्कार दोस्तों, जिसने एलविस यादव को फोन कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी उसे अब पुलिस ने पकड़ लिया है। तो पुलिस का क्या कहना है, ये छोटी सी क्लिप देखिए। बिग बॉस विनर हैं एल्विश यादव, OTT सेकंड के विनर हैं और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं, और इनके माध्यम से हमारे पास एक गुड़गांव पुलिस के पास एक सूचना और शिकायत प्राप्त हुई थी कि 25 अक्टूबर को कि इनके पास कुछ धमकी भरे मैसेजेस आए हैं 17 अक्टूबर के अराउंड, जिसमें इनसे लगभग 40 लाख पहले और फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। उस संबंध में गुड़गांव पुलिस के माध्यम से हमने एक केस रजिस्टर्ड करा गया है और फिर हमारे जो कमिश्नर पुलिस हैं विकास अरोड़ा IPS, उनके दिशा निर्देश और उनके आदेश अनुसार एक टीम गठित करी गई और हमारे संबंधित जो DCP क्राइम है उनके मार्गदर्शन में फिर उस टीम ने काम करा है और गुजरात पुलिस के इससे काफी सहायता प्राप्त हुई है। हमने कुछ जो हमारे पास इनपुट्स आए थे, जो डिटेल्स हमारे से शेयर हुई, जो संबंधित हमने जानकारियां इकट्ठी करी वो गुजरात पुलिस के साथ हमने शेयर करी और फिर हमने एक अपनी टीम रवाना करी और वहां से एक जो सस्पेक्ट था हमारे इस केस का उसको अरेस्ट करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। सर, क्या पहचान आरोपी की हो पाई है और क्या उसका मकसद था, क्या बैकग्राउंड उसका निकलता है? ये शाकिर मकरानी है, वडनगर का जो है वहाँ पर गुजरात का निवासी है। 24 साल इसकी उम्र है और ये शाकिर मकरानी सन ऑफ शाकिर है। ये फादर और बेटा दोनों ही बतौर एज ए RTO एजेंट, जो वहाँ पर RTO एजेंट का काम कर रहे थे, तो उस इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है जो शाकिर मकरानी है, और गुजरात पुलिस के माध्यम से हमें काफी कुछ मिला है। वजह क्या निकल कर आई है, क्यों इसने फिरौती मांगने की कोशिश की? देखिए, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव हैं वो काफ़ी लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अपने जो वीडियोस बनाते हैं या जिस तरीके की चीज़ें वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ है और एक छोटी उम्र में ही काफ़ी पैसे कमाने की इच्छा और चाह रखते हुए इस तरीके से इसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया और फिर कहीं किसी माध्यम से इनके नंबर वगैरह अरेंज करके इनको व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी भरे मैसेज भेज दिए। तो क्या एल्विश यादव की